यूएई की महिला ने जलती हुई कार से अपने नकाब की मदद से एक भारतीय ड्राइवर की जान बचाई। कौन है ये अरबी महिला, कैसे लगी भारतीय प्रवासी के कार में आग, बताते हैं आपको इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, यूएई खबर में आपका स्वागत है। जवैरा सैफुल कुमैती एक ऐसी युवती जो बहादुर और बुद्धिमान महिला है, जिन्होंने एक ड्राइवर की जान बचाई है। वो 22 साल की युवा अमीरती महिला है जो मूल रूप से अजमान की रहने वाली हैं और एक एंडनॉक में काम करती हैं। वो रासुल खैमा में स्थित शेख खलीफा अस्पताल में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। जब वो वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक हादसा हुआ है जहाँ दोनों ट्रक आपस में टकरा गए थे और वो हैरान हो गई कि एक आदमी मदद के लिए तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही है ये उन्हें पता नहीं। जब महिला ने चारों ओर देखने की कोशिश करी तो ये चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उन्हें दिखा कि आदमी आँख की चपेट में था। वो चौंक गई और उस आदमी को बेबस होकर आँख से लड़ते हुए नहीं देख सकी। वो उसकी मदद करना चाहती थी। उसने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी कार रोक दी और व्यक्ति को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। जो आदमी आग के चपेट में था वो एक भारतीय ड्राइवर था। महिला ने अपनी सहेली से, जो उनके साथ कार में थी, उनसे अबाया मांगा व्यक्ति की जान बचाने के लिए। उन्होंने अपना अबाया लिया और उसे आदमी की ओर दौड़ पड़ी। बहादुर महिला ने आग बुझाने के लिए उस व्यक्ति को अपनी सहेली के अबाया से ढक दिया और उसकी जान बच गई। वक्त रहते जल्द ही पुलिस, एक एम्बुलेंस और एक पैरामेडिक्स भी आ गए। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को आवश्यक फर्स्ट एड दिया और फिर उसे अस्पताल ले गए। इस युवा बहादुर महिला ने पुलिस और मेडिकल टीम की कार्यकुशलता की सराहना की, जो समय पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई की। किसी ने उनकी मदद नहीं की, फिर भी वो कहती हैं कि वो उन लोगों को देखकर चकित हैं जो ड्राइवर के पास खड़े होकर भी उसे जलता देख रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे, फिर भी वे लोग आगे नहीं आ रहे थे मदद के लिए। वे गरीब आदमी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़े और उन्होंने जलते हुए ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए देखते रहे। आजमान की इस बहादुर महिला को सम्मानित भी किया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी कहानी शेयर की और जल्द ही बहादुर अमीरती महिला मीडिया में हीरो बन गई। रासुल खैमा पुलिस ने उन्हें उनकी त्वरित सोच, एक बहादुर और एक साहसिक कार्रवाई के लिए सम्मानित भी किया है, जिसने एक व्यक्ति की जीवन बचाने में मदद की। इसके बाद उनका कई सारा इंटरव्यू भी हुआ। एक भारतीय राष्ट्रीय राजदूत नवदीत सूरी के जीवन को बचाने के लिए उनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारतीय दूतावास सभागार अबू धाबी में सम्मानित भी किया गया था। आप देख सकते हैं यूएई की बहादुर महिला जवैरा सैफुल कुमैती को सम्मानित कर। First of all, I want to say thank God for inviting me to the Indian embassy. The one thing, the message that I want to tell for everybody, if you faced the same thing that I faced one day, no matter if he was a man, if she was a girl, the difference between the religions is not a reason to do not helping each others. So the message that I want to tell, if you have the ability to save or to help someone, just do it. तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। लाते रहेंगे ऐसी ही तमाम खबरें, तब तक देखते रहिए यूएई खबर।